हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। मेरा नाम गणेश मीणा और मैं जॉर्जिया में अपनी मेडिकल की स्टडी कंप्लीट कर रहा हूँ। तो मेरा अभी फिफ्थ ईयर ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है और मेरा सिक्स्थ ईयर अभी स्टार्टिंग होने वाला है। तो आज अपन जॉर्जिया में जो मेडिसिन की स्टडी है उसके बारे में, जो पॉजिटिव और जो नेगेटिव पॉइंट है उनके बारे में बात करेंगे। तो चलो इसी के साथ में वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहना और जो नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना। इसी के साथ आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो पहले अपन बात करते हैं जॉर्जिया में सेफ्टी के बारे में। तो जैसा आप सभी को पता है, जॉर्जिया सेफेस्ट कंट्री मानी जाती है वर्ल्ड में। तो और यहाँ की जो क्राइम रेट है वो 20% के अप्रोक्स है। तो आप इसमें कोई डाउट नहीं कि जॉर्जिया कितना सेफ है। और जो मेनली है, जो मेरा 5 साल का जो यहाँ पे एक्सपीरियंस है, मैं उसके अकॉर्डिंग बताता हूँ कि यहाँ पे नाइट में अगर आपको स्ट्रीट वॉक पे जाना है या फिर आपको कहीं भी 24/7 या जो भी मार्केट है वहाँ पे से आपको कुछ सामान लेके आने हैं, कुछ भी लेके आना है एक्सपायर, तो आपको यहाँ पे स्पेशली गर्ल्स के लिए यहाँ पे कोई भी तरह की परेशानी नहीं है। लाइक इन इंडिया जैसे कि आप रात में वहाँ पे गर्ल्स बाहर जा नहीं सकती, तो यहाँ पे सेफ्टी को लेके कोई इश्यू नहीं है, कोई डाउट नहीं है कि जॉर्जिया कितना सेफ है। तो अब अपन बात करते हैं कॉलेज के बारे में। तो सबसे पहला पॉइंट है, यहाँ पे जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश मीडियम लैंग्वेज है। आपको यहाँ पे जो मेडिसिन की स्टडी है वो इंग्लिश मीडियम में, सबको पता है, ये नॉर्मल थिंग है, सबको पता है इस चीज़ के बारे में। पर यहाँ पे आपको साथ ही आपको जो यहाँ की लोकल लैंग्वेज है जॉर्जियन लैंग्वेज, वो भी आपको फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर हर कॉलेज का अपना अपना है, वो आपको पढ़नी पड़ेगी। यहाँ पे कम्युनिकेशन करने के लिए इजी होता है। और सेकंड पॉइंट है डोनेशन के बारे में। तो आपको मैं बता दूँ, यहाँ पे कोई डोनेशन नहीं है। आप लाइक इन इंडिया की अगर आपको एक मेडिकल की सीट चाहिए तो आपको कम से कम 50 से 1 करोड़ के बीच में आपको डोनेशन देना पड़ जाता है केवल एक मेडिकल सीट लेने के लिए। तो यहाँ पे वैसा बिल्कुल भी नहीं है। आप यहाँ पे डायरेक्ट मेडिकल कॉलेज ज्वाइन कर सकते हो एजेंट के थ्रू या फिर डायरेक्ट, जैसे भी आपको अच्छा लगे। तो अब ट्यूशन फीस की ओर चलते हैं। तो ट्यूशन फीस का सीन ऐसा है कि यहाँ पे हर कॉलेज की अलग अलग ट्यूशन फीस है। तो जैसा मैं मेरा बताता हूँ कि मेरा जो कॉलेज है उसकी जो फीस है वो $4,500 है पर ईयर के हिसाब से। और जो बाकी सारे कॉलेज है यहाँ पे, जो कैपिटल में जो तिबलिसी है जॉर्जिया की, वहाँ पे बहुत सारे कॉलेज है, ज़्यादातर कॉलेज कैपिटल के अंदर ही है। तो यहाँ पे हर कॉलेज की अलग अलग फीस स्ट्रक्चर है। तो मेरी यूनिवर्सिटी का व्लॉग भी मैंने ऑलरेडी डाला हुआ है, अगर आपको यहाँ की यूनिवर्सिटी देखनी है कि कैसी यूनिवर्सिटी है, तो आप लिंक में, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाके मेरा यूनिवर्सिटी वाला व्लॉग देख सकते हैं। तो जैसा कि आप सबको पता है कि जॉर्जिया एक सोवियत कंट्री है, यहाँ पे आपको मेट्रोज है और बाकी सारी जो बिल्डिंग्स वगैरह है वो सारी आपको ओल्ड टाइप की मिलेगी। तो ये सोवियत के टाइम की कंट्री है, सोवियत के टाइम की बिल्डिंग्स है, सोवियत के टाइम की मेट्रो है। तो आपको यहाँ पे काफ़ी जो रिच हिस्ट्री है वो आपको देखने को मिलेगी। और नेचुरल ब्यूटी के मामले में इसका कोई जवाब भी नहीं है। जॉर्जिया में माउंटेन्स, रिवर, काफ़ी अच्छी अच्छी लोकेशन है जो आपको देखने को मिलेगी। अगर आप में मेरी तरह ट्रैवलिंग करना पसंद करते हैं और जो अलग अलग जगह है नेचुरल जो पैलेस है उनको एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो जॉर्जिया इज बेस्ट ऑप्शन। तो मैं कुछ क्लिप्स मेंशन कर रहा हूँ, तो देखो। भाई साहब ये बोट राइड है, लारी देके भी खुद चला रहे हैं, बताओ। जूता है जापान, ये पतलो इंग्लिस्तान, सर पे लाते रूसी, फिर मैं दिल है हिंदुस्तान, मेरा जूता है जापान, ये पतलो इंग्लिस्तान।
अपन बात करते हैं लिविंग ऑफ कॉस्ट के बारे में, जो यहाँ पे आपको कितना खर्चा आएगा रहने में, यहाँ पे फ्लैट्स वगैरह किस हिसाब से मिलते हैं, हॉस्टल्स वगैरह की क्या प्राइस है। तो मैं पहले स्टार्ट करता हूँ यहाँ पे फ्लैट्स से। तो अगर आपको 1 BHK फ्लैट्स अपार्टमेंट जो रेंट करना है, तो उसका जो प्राइस है वो $300 to $400 है 1 BHK का। वहाँ से आप वहाँ पे आप आराम से दो आज रह सकते हो। और जो 2 BHK अपार्टमेंट है, जो उसका प्राइस है वो 400 से 600 तक, या फिर थोड़ा ऊपर भी जा सकता है या थोड़ा नीचे भी आ सकता है। तो सबसे पहली बात है यहाँ पे ये प्राइस जो अभी की जो अभी जो प्राइस है वो ये प्राइस है। लेकिन जब जिस टाइम पे मैं यहाँ पे जो जॉर्जिया में मेरी मेडिसिन की स्टडी स्टार्ट करने आया था, तब यहाँ पे प्राइस इतनी थी नहीं, काफ़ी सस्ती थी सब चीज़ें। बाकी मेन बात क्या है, अभी जो यूक्रेन और जो रशिया का वॉर है, वहाँ की वजह से जो यूक्रेनियन थे वो वहाँ से यहाँ पे, बहुत से यूक्रेनियन, बहुत से रशियन भी है, तो वो यहाँ पे आ चुके हैं। तो उस वजह से पॉपुलेशन हल्की सी इंक्रीज हुई है। तो सीधी सी बात है, डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, तो महंगाई तो बढ़नी है। तो यहाँ पे हर चीज़ों की महंगाई हो चुकी है। रशिया और यूक्रेन की वॉर वजह से यहाँ पे बहुत फर्क पड़ा है, हर चीज़ एक्सपेंसिव हो गई है। आपको खाने के आइटम्स ले लो या फिर कपड़े ले लो, कुछ भी XYZ, जो भी जो डेली थिंग्स है, जो भी आप एक इंसान को डेली चाहिए, वो सारी चीज़ यहाँ पे एक्सपेंसिव हो गई है। तो ये तो सारे हो गए पॉजिटिव पॉइंट। अब थोड़ा नेगेटिव पॉइंट की ओर चलते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं जो पार्ट टाइम जॉब्स है, जो भी स्टूडेंट यहाँ पे इंडिया से यहाँ पे आके अपनी मेडिसिन के साथ साथ पार्ट टाइम जॉब भी करना चाहता है, तो उनके बारे में मैं बता दूँ। यहाँ पे इंडियंस के लिए या फिर अदर कंट्रीज के जो भी स्टूडेंट्स है, उनके लिए यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब का काफ़ी लेस है। यहाँ पे आपको दो ही जॉब्स मिलेगी, या तो कॉल सेंटर में जॉब कर सकते हो या फिर फूड डिलीवरी कर सकते हो, पर ये दोनों जॉब्स काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग है, तो इसमें आपको काफ़ी टाइम देना पड़ेगा। तो यहाँ पे कुल मिला के यहाँ पे जॉब्स नथिंग है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है जॉब्स के बारे में। तो साथ ही मैं आपको बता दूँ कि जो जॉर्जिया की जो पॉपुलेशन है वो 3.7 मिलियन के आसपास है, और जो अपने दिल्ली जो सेंटर है वहाँ की जो पॉपुलेशन है वो 31 मिलियन के आसपास है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि जॉर्जिया कितनी छोटी कंट्री है, यहाँ पे यहाँ की जो पॉपुलेशन है कितनी कम है। तो इससे ये आप अनुमान लगा सकते हो, जो मेडिसिन की जो स्टडी कर रहे हैं इंडिया में और जो जॉर्जिया में जो मेडिसिन की स्टडी कर रहे हैं, तो जो भी वहाँ के केस है, जो यहाँ के केस है, तो काफ़ी जो यहाँ पे, सीधी सी बात है, यहाँ पे अगर पॉपुलेशन कम है तो आपको इतने केसेस मिलेंगे नहीं जितने अपने पास इंडिया में अवेलेबल है। तो यहाँ पे जो केस डाइवर्स केस है वो काफ़ी लेस है, काफ़ी कम मिलेंगे आपको। यू कैन नॉट प्रैक्टिस ऑन कैडेवर्स इन जॉर्जिया। अगर आप मेडिसिन की स्टडी करने के लिए जॉर्जिया आ रहे हैं, तो ये एक अमेजिंग फैक्ट है कि यहाँ पे आपको लाइक इन इंडिया, आपको जैसे इंडिया में अगर आपको कोई सब्जेक्ट की पर्टिकुलर स्टडी करनी है, जैसे आप एनाटोमी ले लो, तो एनाटोमी की स्टडी के लिए आपको कैडेवर के डाइसेक्शन के लिए आपको कैडेवर दिए जाते हैं। तो ऐसा जॉर्जिया में बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे कैडेवर्स जो जो जॉर्जिया का जो लॉ है वो आपको बिल्कुल परमिट नहीं देता कि आप डाइसेक्शन के लिए कैडेवर का यूज़ करें। तो ये बात अच्छे से ध्यान रखें। देखो यार, आप कोई सी भी कंट्री में चले जाओ, लाइक आप जॉर्जिया जाओ या फिर आप रशिया चले जाओ, आर्मेनिया चले जाओ, यूक्रेन चले जाओ, कजाकिस्तान चले जाओ, कोई सी भी कंट्री में चले जाओ, पर ये जो मेन चीज़ें हैं वो फैक्ट है, उनको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। और जो भी आप जिस भी यूनिवर्सिटी में जा रहे हो उसके बारे में अच्छे से आपको सुनिश्चित, अच्छे से आपको सब चीज़ें आपको एडवांस में पता होनी चाहिए, वो यूनिवर्सिटी MCSE अप्रूव्ड है या नहीं है, आपको वहाँ पे जो भी रहने खाने का जो भी सिस्टम है, वहाँ पे लिविंग कॉस्ट कितनी है, वहाँ पे आपको खाना क्या क्या उपलब्ध है, आप वहाँ पे सर्वाइव कर पाओगे या नहीं कर पाओ। तो काफ़ी बच्चे मैंने ऐसे देखे हैं जो एक बार कंट्री में एंटर तो हो जाते हैं, फिर वापस से उनका मन नहीं लगता, उनका ध्यान नहीं लगता वहाँ पे, तो फिर वो वापस से इंडिया बैक हो जाते हैं। तो उस चीज़ का ऑलरेडी ध्यान रखें, क्योंकि आप अगर इंडिया से यहाँ पे आते हो तो सीधी सी बात आप पैसा लगा के आ रहे हो अपने घर वालों का, तो उस चीज़ का ध्यान रखें कि घर वालों का पैसा नहीं बिगड़ना चाहिए। तो इसी के साथ मैं आज की वीडियो को मैं ख़त्म करता हूँ। तो आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी, और जितना मुझे नॉलेज था, जितना मेरा एक्सपीरियंस था 5 साल का यहाँ पे, मैंने उतना सब आपको बताया है। तो लाइक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और
नेक्स्ट वीडियो में मेडिसिन के ऊपर ही बनाऊंगा, तो उस वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना, जिससे आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। जय हिंद।